जय भाला जय ये अल्लाह ये कंधे बोला पहुंचने में जमा था रे पहुंचने में जा तुमको एक जादू दिखाओगे जादू रुको जादू दिखाता हूँ भाई सच है क्या मतलब कोई गाड़ी चला रहा हो और उसके बाजू में कोई हो सोया तो उसको नींद लगती है सच है अरे ऐसा नहीं होता कैसा होता है नींद ऐसे नहीं लगती है अगर तुमने और मतलब तुम लोगों ने ज्यादा ड्राइव किया हो ना और आराम नहीं किया हो ना तो नींद आने लाजमी है अभी मुझे एक बात बता मैं सांगली रहता हूँ मेरी शादी हुई है अरे मेरी मेरे को हॉस्पिटल जाना है कोल्हापुर और मेरी बीवी है ना उसको चक्कर आई है और हम दोनों ही घर में तो उसको अगली सीट पे बैठाऊंगा और हमको एक दो घंटे तो रात को उसको लेके जा रहा हूँ तो फिर मेरे को भी नींद आएगी उसको भी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ वो सोई है क्या चक्कर आई है क्या है क्या ही करता समोरचा झोपला का ड्रायव्हरला झोपे ते तो मागचा उठला का ड्रायव्हर उठतो अरे असं काय नसतं जो चालणार रास्ता तो बरोबर चालवतो चेतन इस पे उपाय क्या बताए क्या तुम्हारी जो बाइको है ना उसको पीछे की सीट पे बिठाने का बाजू में कोई होगा ही नहीं तो नींद आएगी कैसे अरे नहीं ऐसे है ना इन्होंने अफवाह किया है कुछ लोगों ने कि नहीं रे ड्राइवर सीट के बाजू में बैठा है ना सोने का नहीं नहीं तो उसको नींद आती है मतलब जो बोलता है ना वो तो ऐसा बोलता है वैसे कि वो कंटिन्यू घूमता अरे नहीं नींद मतलब क्या कि जो ड्राइव कर रहा है उसके बाजू में कोई बैठा ना वो कैसा गप्पा मारता रहेगा ना बाजू वाले से तो नींद आती नहीं है और अगर वो और बाजू वाला सोया रहेगा ना तो सामने वाला डिमोटिवेट होता है गाड़ी चलने वाला तो उसको भी ऐसा थकावट आती है इंडिया का लोकसंख्या 125-30 करोड़ समथिंग है इसमें से एक के साथ तो ऐसा होता रहेगा दिन में होके सोता रहेगा क्या दोनों ही गाड़ी में और उसके रिलेटिव भाई बहन कोई बेशुद्ध है अरे लेकिन एक बात बताओ चेतन दवाई कोई बेशुद्ध है तो दिल में स्ट्रेस रहेगा ना तो नींद आएगी कैसे वैसे भी अगर तुम रिलैक्स चिल करने की तरफ जा रहे हो तो नींद आ नहीं सकते अभी अभी तुम्हारी बीवी अगर बाजू में बेशुद्ध है तो तू क्या तू माझी माझी बाय कोला मला वाचवायचंय पळवताय तडी पळवल माझे बाय हॅलो डॉक्टर मी येतो अरे 10 तास लागले तरी तू झोपणार नाही भावा कारण तुझ्या डोळ्यासमोर ती दिसते ना नातेवाईक जी टीव्ही पे राधे लग गया है अरे बाप रे सारंग भाई देखो थे राधे जी टीव्ही ने राधे पिक्चर को इतनी इज्जत दी इज्जत है अरे हाँ डेकोरेशन बेचता हूँ रुको रुको क्या ही बोले पांड्या जी की कैरेक्टर जैसे जुबान भी फिसलती जा बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ वो बोल रहा है कि डेकोरेशन भेज दो डेकोरेशन क्या होता है लोकेशन चाहिए था बोल रहा है डेकोरेशन भेज दो अभी देखो मैसेज किया मैंने डेकोरेशन भेज दिया बोल रहे हैं यस मिल गया क्या ही बोले पापा जी लोकेशन को डेकोरेशन बोलते जा रहा है चिंदी लड़की पटाने अरे इसका बोलने की वाचा इसको बोलने तो कुछ नहीं हो रहा है और ये लड़की कैसे पटाता है वो लड़कियों को बताओ यार कि ये बीच बीच में कुछ तू सिंगल आहेस का सोलो नाही मी अजिबात सिंगल नाही आहे मी सिंगल नाही मी ट्रिपल आहे मला नाद करू नका आणि मी आता चौपल व्हायचा विचार करतोय आणि पोरी शोधण्यासाठी पोर सज्ज झालेले सगळ्यांचे फोटो येणार एक फोटो सिलेक्ट लग्न विषय क्लोज जिंदगी होतो ऐसी हो जिंदा त्याच्यानंतर परत पुढच्या वर्षी पाचव्या लग्नाचा विचार नेटवाले की लड़की पटा लो पा
नेट वाले की लड़की पटा लो। ओके पहले उसको लड़की होने दो फिर देखते। अरे मैं बिना पढ़े बिना थके कंटिन्यूसली जा सकता हूँ, मेरा नाद भी मत करो, मौत को भी छूने की जरूरत नहीं मेरे को। आईची कट कट रहे, कौन ये कमीना बोला है, कौन ये कमीना है? ओइला बाप रे शिंदे, हम दुनिया छोड़ चले हैं अब जी के क्या करेंगे, हम दुनिया छोड़ चले हैं। कमीने साले कुत्ते कहीं के। अरे इसने मुझे कैसा मारा पता है क्या गाइस, मैं उसको हुल झपट दे रहा था और मेरा गला काट के चला गया कमीना साला। कहाँ पे भुगते करे तू ये साहब, कहाँ पे भुगतेगा? एक निर्दोष को मारे लाए तू, मेरा गला काटे तू मेरा। मैं ऐसा नाच रहा हूँ उधर चिप 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 करके। अच्छा गावा दुक्कर भाई को आपका नाम बताओ। मेरा नाम चम्मक छल्लू। नमस्कार चम्मक द छल्लू बॉय। उनको पूरा नाम पूछो। मेरा पूरा नाम है चम्मक बाबूराव छल्लू। क्यों रहे यार पापा ने ना देखो हमें हंसने नहीं आया, हमें हमें आपसे दिल आ चुका है कि ये चम्मक नाम जिसमें भी रहता है इसको मैं किसी को भी सलामी देता हूँ। देखो ना मंजूषा जी वो प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगा नहीं मुझे लग रहा है। मंजूषा बोल रहे हो उस डेविल को बोल श्रीमान, ए सुनना मंजूषा बोल उस डेविल को बोल कान निकाल के सीधे चिपकाने के लिए। डेविल तो है हमारा बहरा ही है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो छोड़ो इसमें तो आज अलग ही आवाज आ रहा है। हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम है और वो सॉल्व ही नहीं हो सकता ऐसा प्रॉब्लम है। तो छोड़ो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। गांव वाला एडिशन खराब हुआ है मेरा। आई गो आई हर एक का एक एक प्रॉब्लम। वो डिवाइन को कहीं पे जाने की घाई, चार्ली को मर के रिप्लाई देने की घाई, इसकी कान कोरोना की घाई, मेरा तो क्या ही बोलूं मैं।